ओबीसी की गिनती को लेकर बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन मायावती जी का बड़ा बयान। ओबीसी समाज के भागीदारी के लिए बसपा करेगी अंदर और बाहर से केंद्र सरकार का समर्थन। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने ओबीसी समाज की अलग से जनगणना को लेकर बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही लगातार करती रही है तथा अब भी बहुजन समाज पार्टी की यही मांग है कि इस मामले में केंद्र सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बहुजन समाज पार्टी इसका संसद के अंदर व बाहर भी जरूर समर्थन करेगी। जैसा कि गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ओबीसी समाज की शासन प्रशासन, शिक्षा और रोजगार में बराबरी की भागीदारी को लेकर आंदोलित रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का भी मंडल आयोग को लागू कराने में महत्वपूर्ण रोल रहा है। बावजूद इसके मनुवादी सरकारों की नीयत साफ नहीं होने की वजह से ओबीसी को उसके संख्या के अनुपात में भागीदारी या हिस्सेदारी आज तक नहीं मिली। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने भी अपने कानून मंत्री पद से जो इस्तीफा दिया था उसके पीछे भी कांग्रेस सरकार द्वारा ओबीसी के हक अधिकारों के हेतु 340 कलम को लागू नहीं करवाना ही था। इसी बहुजन आंदोलन की भूमिका को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन कुमारी मायावती जी ने अपना बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि इस मामले को लेकर सकारात्मक कदम उठाए और अगर ऐसा केंद्र सरकार करती है तो बहुजन समाज पार्टी संसद के अंदर और संसद के बाहर भी इस मामले को लेकर ओबीसी के रिजर्वेशन, ओबीसी की जनगणना को लेकर बहुजन समाज पार्टी समर्थन करेगी। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।